तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये हेडलाइट भी अलग से लगाया गया है, पेंट किया गया, अलॉय व्हील भी इसका चेंज किया गया। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ पर है क्लासिक 350, ये 2018 मॉडल है और ये बाइक को दोस्तों यहाँ पर रीपेंट किया गया, देख पा रहे हैं कैमरा इधर ले तो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको पूरे बाइक में मेट ब्लैक किया गया है और काफ़ी सुंदर किया गया है। ये बाइक लगभग 5 साल पुरानी बाइक है, लेकिन यहाँ पर मेट ब्लैक करने के बाद एक जरा सा भी इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये पुरानी है, बिल्कुल न्यू हो गई। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर से देखिए, ये बाइक को पहले भी हमने मॉडिफाई किया था और यूट्यूब पर इसका वीडियो भी हम डाले थे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसमें जो है हम मेट ब्लैक का जो है पेपर नहीं चिपकाया गया है, इसमें पेंट किया गया दोस्तों। और पेंट में क्या खर्चा आया है सारा कुछ वीडियो के एंड में आपको बता देंगे, वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। देख पा रहे हैं इसका एलॉय व्हील भी इसका चेंज किया गया है, इधर भी देख पा रहे हैं यहाँ भी एलॉय व्हील भी चेंज किया गया है। और पूछते हैं भाई साहब से, ये है भाई ओनर है बाइक के, आ जाइए नीचे जी। तो आपका जो ये एलॉय व्हील में आपको कितना खर्चा पड़ा था इसमें? ये लगभग समथिंग 9,500 पड़ा था, 9,500 एलॉय व्हील में। और आपका ये जो बाइक का जो पेंट हुआ है पूरा, इस बाइक का पेंट में आपको कितना खर्चा पड़ा था? इसमें लगभग 12,000 खर्चा हुआ, 12,000 का खर्चा हुआ। दोस्तों अभी इस बाइक में जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकरिंग करने वाले हैं, तब जा करके ये बाइक खूबसूरत लगेगा, वरना ऐसे तो उतना अच्छा से नहीं लग रहा है। और देख पा रहे हैं ये हेडलाइट भी अलग से लगाया गया है, इसका अभी लाइट दिखाएंगे। तो हेडलाइट में कितना पड़ा था आपको? हेडलाइट में 2,000 लगभग पड़ा था, 2,000 हेडलाइट का लगभग 2,000 पड़ा था दोस्तों। और इसको जला के जरा दिखाइए, तो इसको देखिए, इसको जला करके इसका लाइट दिखा रहे हैं, फॉग लैंप में है, LED भी है, देखिए। और भी कोई फंक्शन है? ये है अभी फिटिंग नहीं किया। अच्छा, वो फिटिंग नहीं हुआ है। तो देख पा रहे दोस्तों ये हेडलाइट भी इसका चेंज किया गया है और थोड़ा सा वो इसमें अलग से कुछ लगाया भी गया है। फिलहाल चलिए हम स्टिकरिंग का यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये स्टिकरिंग काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में और डिटेल्स बात करेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये रॉयल एनफील्ड का ये 3D स्टिकर है और इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं और इसको लगा करके। फिलहाल इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये बाहर से परचेज किया गया है और इसका प्राइस जो है लगभग 300 रुपये के आसपास का है, और इसको शोरूम में अगर लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। क्वालिटी लगभग सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल ही है और इसका गम भी काफ़ी अच्छा है और ग्लोसी भी है, क्रोम भी है। चलिए फटाफट इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि ये बहुत आसानी से हमको नाप जोक मिल जाए। और ये हमने नाप लिया है, देख पा रहे हैं ये लग गया, इसको इधर से आराम से निकाल दीजिए, ये हो गया है। एनफील्ड भी जो है इसी तरह से लगेगा, तो देख पा रहे दोस्तों इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, क्रोम में है और बहुत ही अच्छा। शोरूम में जो स्टिकर दिया जा रहा है, सॉरी 3D में जो दिया जा रहा है, वो थोड़ा सा क्रोम में थोड़ा सा कम रहता है, वो थोड़ा सा सिल्वर टाइप में हमने देखा है, बहुत सारा इंस्टॉल किया है तो वो सिल्वर टाइप में रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया, यहाँ पर भी एक बीटिंग रहेगा इस तरह से, ये वाला यही। ये सब हो गया दोस्तों और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हम बीटिंग देंगे रेड का, एक चौड़ा रहेगा एक पतला रहेगा, और ये वाला जो बीट है ये न्यू मॉडल में अभी आ रहा है तो उसी में देंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका गार्ड भी लगा हुआ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो दोस्तों ये रेड थोड़ा डीप हो गया, ये थोड़ा लाइट हो गया ये वाला रेड, और ये थोड़ा सा डीप हो गया, तो देखते हैं ये मेट रेड है, इसको लगा के देखते हैं ये कंपनी जैसा आता है कि नहीं आता है, नहीं होगा तो फिर मेट रेड ही देंगे, और ये नहीं समझ में आएगा तब ये देना पड़ेगा। ये देख पा रहे ये मेट रेड है और इसको हम फिलहाल यहाँ पर लगा के देख रहे हैं, देखिए ना अभी इस तरह से काला हो जाएगा, तो ये मेट रेड है, देखिए चलेगा वहाँ, देखिए यहाँ मत देखिए, लाइट रेड भी लगा के देख रहे हैं, ये मेट रेड हमने लगाया है और ये लाइट रेड देख पा रहे हैं। कौन सा अच्छा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लेकिन फिलहाल हमने ये डिसाइड किया है और ये भाई साहब ने भी यही डिसाइड किया है कि ये वाला लगना है,
क्योंकि ये यहाँ पर लगने के बाद जो है ये थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा हो जाता है, और ये वाइट पेपर में जब रहता है तो ये आपका थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन ब्लैक में लगने के बाद ये थोड़ा सा ब्लैकपन आ जाता है। देख पा रहे इसको निकाल रहे, तो निकालने के बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ज़्यादा ब्लैक है और यहाँ पर थोड़ा सा कम ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा सा रेड लग रहा है, इसलिए लगने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये जहाँ भी लगेगा जैसा कलर है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए इसी को हम लोग ने चॉइस किया कि इसी को हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया है, लेकिन इसका कलर जो है ये मैट ब्लैक किया गया है, और इसका प्राइस दोस्तों आपको बता दिए कि 12,000 रुपये इसका पड़ा है, लेकिन पेंट अच्छा हुआ है। हालांकि आपका 8-9,000 में भी पेंट हो जाता है बुलेट का, लेकिन ये जो पेंट है ये काफ़ी मजबूत है और काफ़ी टिकाऊदार पेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। और ये बिट जो न्यू मॉडल में आता है वो हमने यहाँ पर दिया है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर भी ये नया चीज़ लगाया हुआ है, हेडलाइट में कुछ अलग सा हेडलाइट लगा गया है, ऊपर से कुछ लगा गया है, मैट ब्लैक ये सोकर वगैरह सारा कुछ में मैट ब्लैक किया गया है, ये सोकर नहीं रहता है। ये जो आप कर देख पा रहे हैं ले गार्ड है, इसमें भी मैट ब्लैक किया गया है, इंजन गार्ड देख पा रहे हैं इंजन गार्ड में भी किया गया है, ऑल ओवर इंजन में भी आपका सारा कुछ जो है मैट किया गया है। इंजन में आप देख पा रहे हैं ये इंजन सिल्वर रहता है, क्रोम रहता है, लेकिन यहाँ पर मैट किया गया है, और ये सब चीज़ जो है सारा कुछ मैट किया गया है, व्हील अलग से लगाया गया है, ये सब जो है इस सबको भी मैट किया मैंने, ऑल ओवर ये पूरी बाइक को जो है मैट ब्लैक किया गया, साथ में ये सीट कुछ अलग से लगाया गया है, ये जो है कुछ गार्ड रस्सी जो है रस्सी ऊपर से लगाया गया है, और इधर आप देख पा रहे हैं इधर लगाया गया है। ऊपर से इसका नज़ारा देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। अगर आपको भी इस तरह से करवाना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका जो है मैट ब्लैक के साथ आपको मॉडिफाई भी करवा देंगे, कर देंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दिए, फॉलो कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।